अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफा हैंडवर्क। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनाएंगे दुपट्टे पे। तो इस डिज़ाइन को आप लोग स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, नेक पे, दामन पे, जहाँ आपको बॉर्डर की ज़रूरत हो आप बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो मैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सिल्क थ्रेड ले रही हूँ। ये वाला सिल्क थ्रेड है आर्ट सिल्क। तो ज़्यादातर मैं यही सिल्क थ्रेड यूज़ करती हूँ, या तो बड़े वाले जो धागे आते हैं सिल्क के वो वाले यूज़ करती हूँ। तो अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि कौन सा सिल्क धागा आप यूज़ करती हैं, तो आप लोग देख लीजिए। ये मैं सिल्क धागा यूज़ करती हूँ आप लोगों को, और टेलरिंग शॉप पे आसानी से मिल जाएगा इंशाल्लाह ये धागा। नहीं तो आप दूसरी कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं सिल्क, अगर मिल रहा है कोई भी धागा तो दूसरी कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें इस तरह की मैं बीड्स लगाऊँगी, गोल्डन वाली जो बीड्स होते हैं उनका यूज़ करूँगी। और जो है मैंने चार रील लिए हैं, चारों को एक साथ करके फिर मैं डिज़ाइन को बनाऊंगी। चार धागे एक साथ करके डिज़ाइन को बनाना है। आप चाहे तो पांच धागे करके भी बना सकते हैं, तीन धागे करके, लेकिन ये डिज़ाइन जो मैं बनाने जा रही हूँ, तो आप अगर ये वाले धागे से बना रहे हैं तो चार धागे करके बना लीजिए, और अगर आप बड़े वाले धागे यूज़ कर रहे हैं तो आप पाँच धागे करके बना लीजिए। इस धागे से पाँच धागे करके बनाएंगे, थोड़ी मोटी हो जाती है डिज़ाइन, ज़्यादा मोटी हुई दिखती है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। और इसके लिए मैं क्रोशिया ले रही हूँ 12.06 mm की। तो हमें सुई में इस तरह से धागे को डाल लेना है, एक छोटे से धागे को डाल के तो हम इस तरह से मोतियों को पिरोएंगे। आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि किस तरह से धागे में मोतियों को डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से करते हुए हम अपने इन चारों धागों को एक साथ ऐसे अंदर की तरफ ले जाएंगे और इस तरह मोतियों को इन धागों में कर लेंगे। तो इसी तरह से हम अपनी सारी बीड्स, हमें जितनी ज़रूरत है हम उतनी डाल लेंगे। अगर आपकी डिज़ाइन बनाते वक्त थोड़ी कम हो रही है ना, तो फिर आप बाद में भी डाल सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से बहुत आसानी से सारी बीड्स अंदर आ जाएंगी। ठीक है, मैं पूरी फिर मोतियों को डाल के फिर डिज़ाइन को बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे, और जो है हमें कपड़े के दुपट्टे के सीधे साइड से मैं अटैच कर रही हूँ। सीधी तरफ से हम बेस लाइन को बनाएंगे, इस तरह अटैच कर लेने के बाद फिर 1, 2, 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेके थोड़े सी स्पेस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चैन लेके डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन डबल क्रोशिया, तो इस तरह से 1 चैन डबल क्रोशिया लेते हुए पहले बेस लाइन को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से जो है बेस लाइन तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे बैक साइड में। बैक साइड में आने के बाद 1 चैन लेंगे और इस पहले वाली स्पेस में बना देंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चैन नेक्स्ट वाली स्पेस में सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो हम यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे चेन देते हुए। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 5 चैन लेंगे
और यहाँ पे 1 2 दो स्पेस को छोड़ेंगे, तीसरे में सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर ऐसे आ जाएंगे हम बैक साइड में, सॉरी राइट साइड में आ जाएंगे हम। अब इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें हम 13 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे हम एक स्पेस को छोड़ देंगे, दूसरे वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, फिर ऐसे टर्न होते हुए आ जाएंगे बैक साइड में। इस पहली वाली डबल क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया। अब हम बीड्स को अटैच करेंगे, फोर 4 8 4 12। तो हम 12 बीड्स अटैच करेंगे इस तरह, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम फिर से 12 बीड्स लेंगे, 4 4 8 4 12, इस तरह से 12 बीड्स लेते हुए अटैच करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से। इस तरह दो बार लगाने के बाद अब हम एक और स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह, और फिर से हम 12 बीड्स लगाएंगे, 4 4 8 4 12, सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। हमें किसी भी डबल क्रोशिया के ऊपर जो है रिपीट नहीं करना है सिंगल क्रोशिया, सबके ऊपर ही हम बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशिया, ठीक है, किसी पे रिपीट नहीं करना है हमें। फिर 12 लेंगे, 4 4 8, इस तरह से 12 बीट्स लेते हुए अटैच करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया। तो दो बार अब फिर से लगाने के बाद एक और स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब जो है यहाँ पे हम फिर से बीट्स लगाएंगे 12, तो इसी तरह से हम लगाते हुए आएंगे, दो बीट्स लगाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया का गैप देना है, फिर से दो बार बीट्स लगाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया का गैप देंगे, इसी तरह से लगाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक लगाते हुए आ गई हूँ, कितनी टाइम लगी है ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार इस तरह लगाने के बाद अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम इस वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर हम 1 चेन लेके सिंगल क्रोशिया बनाते हुए बीच में हम स्पेस देंगे, तो बीच में हम ना 1 चेन और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 20 बार बना लेंगे, 20 टाइम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, तो हम यहाँ पे 20 सिंगल क्रोशिया का स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे हम चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू स्पेस को छोड़ेंगे तीसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर एक बार चेन बना के नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम जो है बनाते हुए अपनी इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से ऐसे राइट साइड में आते हुए इसमें जो है 13 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के टर्न लेते हुए अपने बीट्स को अटैच करेंगे। तो ठीक है ना, इसी तरह से हम अपने राउंड को कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने पहली लाइन को तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर जो है दूसरी लाइन बनाएंगे। तो दूसरी लाइन बनाने से पहले मैं यहाँ से आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि आप लोग वो गलती मत करिएगा जो मुझसे हुई गलती, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना डिज़ाइन को सबसे पहले तो आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने शुरू किया था 10 सिंगल क्रोशिया का स्पेस देते हुए, तो मैं यहाँ पे जब बनाते हुए आ गई लास्ट तक, आखिर तक बनाते हुए यहाँ पे आ गई ना, तो यहाँ पे मेरे स्पेस कुछ ज़्यादा ही आ रहा था, बहुत ज़्यादा स्पेस हो रहा था, तो फिर अच्छी नहीं दिखती डिज़ाइन। एक तरफ ज़्यादा स्पेस हो और एक तरफ कम स्पेस हो, तो फिर ऐसा ना हो आपके साथ। तो आप क्या करिएगा, तो मुझे पूरी क्या है, मैंने यहाँ तक जब बना लिया ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस होने की वजह से मैंने क्या किया कि मैंने अपनी पूरी लाइन को ओपन कर दिया, पूरी लाइन खोल के फिर मैं यहाँ पे आई, फिर से यहाँ से मैंने जो 10 सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट किया था यहाँ पे बढ़ा के मैंने 13 मतलब कि 13 सिंगल क्रोशिया बना के फिर उसके बाद मैं यहाँ तक आई बनाते बनाते। तो आप लोग ये गलती मत करिए, क्योंकि आप पहले क्या करें मैं आपको बता दूं कि आप शुरू से ही जब पहले बनाने लगे डिज़ाइन को ना, यहाँ से ही गिन लें 25 25, मतलब कि 25 25 डबल क्रोशिया काउंट करते हुए पूरे पे आ जाएं, पूरे दुपट्टे पे आप जितने बना रहे हैं, जैसे एक पल्लू पे बना रहे हैं 25 25 बनाते बनाते हुए, जैसे यहाँ तक आप आ गए, यहाँ पे जितनी भी अब आपकी स्पेस बच रही है सिंगल क्रोशिया जितनी बच रही है, उसका हाफ आप इस तरफ रख दीजिए और उसका हाफ आप इस तरफ कर दीजिए, तो दोनों तरफ आपके बराबर रहेंगे। और 10 सिंगल क्रोशिया से कम नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा जितने भी हों चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं होने चाहिए, 10 से ज़्यादा आप जितने हों उतने बना दें, तो दोनों साइडों में आपके बराबर से डिज़ाइन आएगी, ठीक है ना। तो ताकि आपको डिज़ाइन खोलनी ना पड़े जैसे कि मुझे खोलनी पड़ गई थी डिज़ाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए वन चैन ले कर ऐसे अब आ जाएंगे हम राइट साइड में। अब सीधी तरफ आने के बाद हम यहाँ पे पहले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, तो हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। इस तरफ से हम देखेंगे हमारे यहाँ पे 3 स्पेस जो है छूटने चाहिए, 1 2 3, यहाँ पे हम 3 स्पेस को छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम चैन लेंगे 1 2 3 4 5, 5 चैन लेके यहाँ पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, तो दोनों इस तरह से बीट से एक साथ अटैच हो जाएंगे। फिर हम 1 2 3 4 5 चैन लेंगे, 5 चैन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया और फिर इस वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, तो दो बीट्स एक साथ जुड़ जाएंगे इस तरह से दो दो करके। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन सिंगल क्रोशिया इसमें, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 चैन सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, अब फिर से हम 5 बार चैन लेंगे 1 2 3 4 5, अब 5 चैन लेके हम इस तरफ अटैच करेंगे, तो इस तरफ भी हमारे जो है 3 स्पेस छूटने चाहिए। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3, 3 स्पेस को छोड़ देंगे, चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह, कुछ इस तरह से ज्वाइन करने के बाद अब हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, बीच में जितने भी स्पेस हैं हमारे पास सिंगल क्रोशिया के, सब में हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो फिर बनाते हुए यहाँ तक आ जाती हूँ, इस तरफ 3 स्पेस बस छोड़ के,
फिर उसके बाद हम चेन बनाते हुए इसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। अब यहाँ पे हम 1 2 3 तीन स्पेस छूटेंगे, फिर 1 2 3 4 5 चेन लेके इसमें अटैच कर लेंगे। फिर डायरेक्ट इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 5 चेन लेके 1 2 3 4 5 पांच बार चेन लेते हुए इसमें अटैच करेंगे, फिर इसमें डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया से अटैच। तो इसी तरह से हम अपनी इस लाइन को बनाते जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस पूरी लाइन को बना के फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। और यहाँ पे कितनी बार हमारी सिंगल क्रोशिया बनी है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बार सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है पूरी लाइन तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 2 चैन लेते हुए, कभी भी आप सिल्क का धागा अगर कट कर रहे हैं तो 2 चैन लेते हुए कट करिए, ताकि धागा खुले ना, बहुत स्लिप होता है ना तो खुलने का डर रहता है। बाद में इसको हम कवर कर देंगे। तो अब हम यहाँ से फिर से अटैच करेंगे धागे को यहाँ से। तो मैंने नॉट बना लिया है, नॉट बनाते हुए हमें अटैच करना है, सिंगल क्रोशिया से अटैच करते हुए। और बैक साइड में जो है ना हम धागे को छिपाते जाएंगे, बनाते हुए जाएंगे धागे को छिपाते हुए जाएंगे, ताकि हमारी डिज़ाइन जो है फिनिशिंग अच्छे से आए। 1 चेन सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है हमें। इस तरह भी जो भी एक्स्ट्रा धागा रहे आप बनाते हुए और धागे को साथ में कवर करते हुए जाइए। अभी इस धागे को थोड़ा ज़्यादा है जो कट करके निकाल देंगे। यहाँ तक हम आ जाएंगे बनाते हुए। अब यहाँ पे हम एक स्पेस को छोड़ देंगे और इसमें अब डायरेक्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ पे जो हमारी 2 सिंगल क्रोशिया है उसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसमें बनाएंगे 8 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर यहाँ पे दरमियान में जो है सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसमें 8 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक बनाते हुए आ गई हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्पेस को छोड़ देंगे, दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 चेन लेके हम यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो है अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्पेस को छोड़ते हुए, ठीक है।
इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं पूरी डिज़ाइन बना के फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनने के बाद दिखेगी, जो कि बहुत ही प्यारी दिख रही है डिज़ाइन। और अगर जैसे आप चाहते हैं कि ना ये फ्लावर और करीब करीब आपके बने, तो ये जो 20 सिंगल क्रोशिया का स्पेस देते हुए मैंने बनाया है, तो आप और कम स्पेस देते हुए भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन को, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिए अपने ड्रेस पे और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को डिज़ाइन कैसी लगी। अगर डिज़ाइन पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।